ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। इसमें 10 जुलाई से 16 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि कथा के हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोग कथा का श्रवण करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान बाहर से आए लोगों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था कथा स्थल के पास ही की गई है। इस भागवत कथा में अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 500 से ज्यादा देश के बड़े साधु और संत शामिल होंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया गया है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में 10 से 16 जुलाई तक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने वाली है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। आयोजनकर्ता ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का निमंत्रण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा गया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी संभावना है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में मंत्री, केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बाबा बागेश्वर का पहला कार्यक्रम है। इससे पहले कानपुर में होने वाले बाबा बागेश्वर की कथा को सुरक्षा कारणों से निरस्त कर दिया गया था। 17 से 21 अप्रैल तक कानपुर में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा के साथ दिव्य दरबार लगाने वाले थे। दावा किया गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। आयोजनकर्ता के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। बागेश्वर बाबा के 7 दिवसीय दिव्य दरबार और भागवत कथा में 20 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को 9 जुलाई से भंडारा भी मिलेगा। आयोजन स्थल पर 24 घंटे 16 जुलाई तक भंडारे की व्यवस्था रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।